आज अब मैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं अपन कि आज का जैसे जो एक चर्चा का जो विषय हमने रखा है वो टूल के ऊपर रखा है कि भाई हमारे बिजनेस के लिए टूल्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो भाई अगर हाँ अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस टूल से रिलेटेड अगर बात करूं कि जैसे अगर कोई एक पर्सन है भाई एक आदमी था वो चार दोस्तों के साथ अपनी कार से घूमने निकला और बीच रास्ते में उसकी कार जो है वो खराब हो गई। अब वो बारिश भी हो रही थी। अब जैसे ही उसने अपना गाड़ी का जो टूल बॉक्स का जो एरिया रहता है उसको खोला और उसमें से उसके जो टूल्स थे वो नहीं थे। अब क्या वो गाड़ी को ना कहीं ले जा सकता था ना कुछ कर सकता था और इस तरह से वो लोग दिक्कत में फंस गए। और अगर उनके पास वो गाड़ी का जो टायर चेंज करने का टूल होता तो वो लोग फटाफट अपना जो गाड़ी का जैक लगाते और रिंच पाना लेते और टायर खोलते और दूसरा टायर बदलते और उनका काम आसान हो जाता। लेकिन वहां पे उनका जो जर्नी थी वो प्रॉब्लम में फंस गई। तो इस तरह ये कहना ये है मेरा कि जो 2 मिनट का काम था कि वो जैक निकालते टायर बदलते टायर लगाते और निकल जाते कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन वहां पे परेशान होना पड़ा, घंटों ढूंढना पड़ा कि कोई गाड़ी का टायर बदलने वाले की कहीं शॉप मिल जाए, कहीं गांव वालों से हेल्प मिल जाए, किसी से भी कैसे बिल्कुल हाथ पैर मार के कैसे भी करके 2-4 घंटे वेस्ट करने के बाद वो काम को वो अंजाम दे पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे बिजनेस में ये जो टूल्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम कहीं पे भी किसी के पास बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं या बता रहे हैं, कभी कोई मिल रहा है, तो हमें हम कहीं पे भी जा रहे हैं हमारा हाथ जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। हमारे पास वो सारे शस्त्र हैं, वो सारे औजार हैं, वो हमारे पास होने चाहिए क्योंकि तो वो ही हमको तो इस तरह से हमें अपने बिजनेस में उन टूल्स को हमेशा अपने साथ में रखना है। टूल्स भूलना नहीं है हमको क्योंकि वो हमारे हथियार है। हम कहीं पे भी किन्हीं परिस्थितियों में कब हमको कौन व्यक्ति मिल जाए जिसको हम उसकी नीड हो, हमारे प्रोडक्ट की सामने वाले को जरूरत हो, हमारे बिजनेस की उसको जरूरत हो, तो हम उसे एज अ शॉर्ट टाइम में उससे बातचीत करके उसको थोड़ा सा 10% का हिंट जो है वो हम दिखा सकें और किसी के यहाँ हम गए हैं तो हम उसको बराबर जो है वो सारी चीजें जो जानकारी है वो हम दे सकें। इसलिए टूल्स हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये टूल्स हमें किस लिए जरूरी होते हैं? आज पहला तो है कि खुद की सेल्फ हेल्प के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए जरूरी है। एक दूसरा एक टूल होता है प्रोस्पेक्टिंग टूल कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो उस समय हमको कौन कौन से टूल जरूरी होते हैं। ये एक फिर होता है ट्रेनिंग टूल और एक है मोमेंटम टूल, यानी कि हम जब कोई से बिजनेस करते हैं जब भी कहीं जाते हैं तो एक मोमेंटम हमारे पास क्रिएट होना चाहिए। तो वो सभी ये चारों टूल है, इस पे हम नेक्स्ट टाइम पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। अभी जस्ट अपन इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि एक हमको अपने लिए चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और मोमेंटम के लिए। अब ये है हमारा जो है मैजिक कॉर्नर, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है जो कि हमारे घर में हम कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, हम पार्लर खोल चलाते हैं या हम सिलाई का बुटीक का काम करते हैं या हम कहीं पे भी छोटी जॉब है या हमारा घर है, हमको एक अपना मैजिक कॉर्नर जो है वो बना के रखना चाहिए। आपके हिसाब से ये कोई कहीं का पिक्चर ली हुई नहीं है, ये मेरे घर की है और ये अभी तक का मेरा सबसे कम स्टॉक है क्योंकि मंथ एंड चल रहा है। तो ये मैं बराबर हमारे यहाँ पूरा सामान हम रखते हैं और लगभग समझ लीजिए कि मेरे यहाँ तो लगभग 30 से 40 हजार तक का मिनिमम सामान जो है मंथ में रहता ही है।
पर आपको ये जरूरी नहीं कि आपको इतना इतने अमाउंट का रखना है, पर कम से कम 3,000 से लेके 5,000, 10,000, जो भी आपका सेलिंग हो, कि आपका इतना ज्यादा जाता है तो आपको उतना अमाउंट का सामान अपने घर में रखना है। और शुरुआत में आपको वो ही सामान ज्यादा रखने हैं जिनको आप जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिन आपको लोगों को लिक्विडेट कर पाते हैं ज्यादा, लोगों की डिमांड ज्यादा है। आप अपने घर पे उन सामान को बाहर रखें, छुपा के नहीं रखें, क्योंकि तो इससे क्या होगा कि जब आप उसको नजरों के सामने रखेंगे, अभी तो खैर कोरोना है तो कोई घर पे नहीं आता है, पर फिर भी आपके घर पे अगर कोई भी आता है व्यक्ति तो उसको दिखेगा। जब दिखेगा तो जरूर वो पूछेगा कि भाई ये क्या है। तो ये अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टूल बनता है, हमारे काम को जो है वो आसान कर देता है। और ये मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 3 से 5 हजार का सामान तो हर किसी के पास होना चाहिए। वन वन 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में उसका सामान उसके पास हो, और अगले महीना खत्म होते होते वो सामान खत्म हो और नया सामान फिर से हमारी सेल्फ में जो है वो सज जाना चाहिए। और बराबर अच्छी तरीके से रखें, आड़ा टेढ़ा नहीं रखें, इतना थोड़ा अट्रैक्टिव वे में रखें कि सामने वाले को दिखे, वो उसकी नजर उस पे पड़े और वो उसकी क्यूरी आए कि भाई ये चीज क्या रखी हुई है। साथ में हम कुछ जो हमारे जो ब्रोशर हैं, लीफलेट्स हैं, पंपलेट हैं या छोटी बुकलेट हैं, वो भी हम साथ में रखें। और ये चीजें जो है हमारा जो गेस्ट हॉल जो होता है, जो लिविंग रूम होता है, वहां पे हम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। हमारी जो जितनी भी अपने बिजनेस को लेके जो बुक्स हैं, आपके ब्रोशर हैं या जो भी सक्सेस स्टोरीज की बुक है, इस तरह की बुक हमको अपने एकदम जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ लोग आते हैं और यहाँ से ये चीज एकदम दिखती है और इस पे लोगों की नजर ज्यादा जाएगी, तो उस जगह पे हमको रखना है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं कॉर्नर पे रख दी, किसी को दिख ही नहीं रही है तो कभी पूछेगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ आया है, सोफे पे बैठ रहा है, तो टेबल के नीचे आपके पास बुक आपके पास रखी होनी चाहिए, कुछ ऐसे ब्रोशर हो या कुछ भी चीजें हो कि आदमी अगर बैठा है, आप उसके लिए चाय नाश्ता लेके गए हैं, तो वो तब तक खाली भी बैठा तो कुछ उसके पास होए, या आप उसे खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जब मैं अभी आ रही हूँ आप नाश्ता लेके आती हूँ, जब तक आप बोर नहीं हो तो आप ये थोड़ा सा पढ़ते रहे। किसी भी वे में आप उनको अपना काम, मकसद तो ये है कि अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की जानकारी सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह से हमें एक मैजिक कॉर्नर जो है वो बढ़िया सजा के रखना है। इसके बाद एक अपने पास जो है वो विजन बोर्ड होना चाहिए, छोटा ही हो बड़ा हो, जो भी आपके रूम साइज में हो या आपके बजट में हो, पर एक बोर्ड अपने पास होना चाहिए जिसमें हम हर दिन का अपना प्लान भी लिख सकें और अपने जो ड्रीम है वो लिख सकें, आप अपने को क्या क्या करना है वो लिख सकें, है ना। तो छोटे गोल, बड़े गोल, अपने सपने, अपना जो टारगेट है, वो सारी चीजों को हम बढ़िया पिन उसमें लगा के, विजन बोर्ड में लगा के रखें। हमको लगता है कि हाँ यार मेरा घर ऐसा मुझे बनवाना है फ्यूचर में, आप उस घर की पिक्चर निकालिए, उसके सामने लगा दीजिए। आपको लग रहा है कि मेरा इस मंथ का टारगेट ये है, तो वो टारगेट लिखिए और उसको आप अपने विजन बोर्ड पे लगा दीजिए। आपको गाड़ी चाहिए ऐसा, या हम लेडीज हैं तो हमको लग रहा है कि यार मुझे कुछ ऐसा नेकलेस चाहिए, या कुछ भी जो भी चीज चाहिए आपके लिए, चाहिए अपने परिवार के लिए, चाहिए, उसके पिक्चर निकालिए और लगा लीजिए। मेरे पास बराबर है, बहुत अच्छा खासा विजन बोर्ड को हमने सजा के रखा है। आज तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी बराबर आपको दिखाऊंगी कि मेरा विजन बोर्ड कैसा है। उसके अलावा अभी मेरा रेगुलर वाला बोर्ड अलग है, जिसमें हम हर दिन का जो भी अपने रेगुलर लाइफ में से जो भी चीजें करनी है, क्या क्या काम है हमारे पूरे दिन के, या कुछ चीजें हैं तो वो चीजें भी हम एक बोर्ड रख रखे, उस पर भी बराबर लिखते हैं। साथ में हमने व्हाइट बोर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे ये उन लोगों के लिए है कि चलो उनके पास ज्यादा लोग आते हैं, तो वो अगर कुछ समझाना हुआ तो आप बराबर व्हाइट बोर्ड पे समझा सकते हैं। हमने अपने काम के लिए रख रखा है, प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये सारी चीजों की, चाहे वो इनकम प्लान हो, चाहे जो भी चीजें हो, है तो बहुत अच्छा है। नहीं है अगर व्हाइट बोर्ड, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि व्हाइट बोर्ड होना ही चाहिए,
लेकिन विजन बोर्ड तो कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आपके लक्ष्य पूरे होते जाएंगे, आप अपने उस विजन बोर्ड से उन चीजों को हटा के एक नया टारगेट फिर से वहां पे लगा देंगे। तो ये बोर्ड होना चाहिए, और विजन बोर्ड आपकी नजरों के सामने दिखे ऐसी जगह पे आपको उसको टंगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं एकदम कोने में रख दिया, वो कहीं कर्टन में छुपा हुआ है कि दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं। ऐसा हो कि आपको आते जाते चलते फिरते वो आपको दिखता रहे, क्योंकि उसमें दिखेगा तो आपने जो चीजें, जो लक्ष्य, जो सपने आपने उसमें लगा रखा है, वो आपको क्लिक करेगा कि नहीं, मुझे 1 घंटा 2 घंटा अपने बिजनेस के लिए निकालना है। आज मेरा टाइम, आज मेरे को घर में एक्स्ट्रा वर्क हो गया, आज मेहमान आ गए, तो मुझे जल्दी से मेरा काम खत्म करके मुझे 1 घंटा इसके लिए दौड़ना है, इसके लिए मुझे काम करना है। तो सुबह उठते सोते जागते हमको उसको देखना है, प्रण करना है, विजुअलाइज करना है कि हाँ, ये चीज मेरे साथ हो रही है और ये मैं अचीव मुझे करना है। तो क्या है कि ये कि पॉजिटिव एनर्जी भी भरती है, और हमें उस चीज के पीछे भागने के लिए हमको थोड़ा जो है वो धक्का भी मारती है ये विजन बोर्ड। तो इसलिए हमको ये चीज अपने पास रखनी है। फिर है ये कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक कंपनी प्रोफाइल की बुक है, वो हमारे पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एक बुकलेट है, ब्रोशर है, वो होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान की बुक आती है, वो होनी चाहिए। इसके अलावा अभी ये जो आपको ये दिख रही है सुख स्वास्थ्य समृद्धि, ये भी नई बुक लॉन्च हुई है। ये प्रवीण सालुंके जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने इसको किया हुआ है, उन्होंने खुद लिखा है और इसको लॉन्च किया है। और जैसे ही लॉन्च हुआ हमें पता चला, हमने पहले ही 5 बुक्स ये मंगा ली, और वाकई में ये बहुत अच्छी बुक है। पूरी जानकारी आपको A to Z जो है वो आपको इस बुक में मिल जाएगी। साथ में ये है हमारी मॉडर्न, बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। डॉक्टर इपेन पोशे हैं इसके राइटर, और इन्होंने, ये नाइजीरिया में रहते हैं, इंडिया बेस्ड डॉक्टर हैं, और ये बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन हैं। तो इन्होंने इस अपने गेनोडर्मा और स्पिरुलिना पे एक बुक लिखी है। और इस बुक की खास बात मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि इस बुक को ही दिखा के, आप लोगों को दिख रही है ये बुक, इस बुक को ही दिखा के बिहार के लोगों ने, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था ढंग से, उन्होंने ये बुक दिखा दिखा के अपना बिजनेस बढ़ा लिया, और बहुत अच्छी खासी तरक्की की। जो व्यक्ति महिलाएं सब्जी भाजी बेचती थी, मजदूरी करती थी, महीने के 10-12 हजार भी मुश्किल पड़ते थे कमाने को, आज वो 40 हजार 50 हजार रुपए मंथली कमा रही है, क्योंकि उन्होंने इनको बेचा और प्रोडक्ट को बेचा, लोग प्रोफेसर साहब के नाम को बेचा, रत्ना मैम को बेचा, क्योंकि उन्होंने इन बड़ी बड़ी हस्तियों को बताया कि इनके साथ में हम हैं, ये इनका पावर है। तो ये बुक्स अपने पास होनी चाहिए। और इसके बाद है डॉक्टर दत्तो लिमसियो, जिनकी जो है माय जर्नी, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसको भी अपने को पूरा जो है वो जानना चाहिए कि कैसे इन्होंने इस चीज को पढ़ा है, कैसे रिसर्च की, क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने इस डिएक्शन में कंपनी को कैसे खोज की, कैसे इसकी स्थापना की, गेनोडर्मा पे रिसर्च की, वो सारी चीजें, इनकी जो पूरी जर्नी है, वो उतार चढ़ाव, संघर्ष, सब कुछ आपको यहाँ पे इस बुक में जो है वो सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो लास्ट वाली जो बुक है, इसमें जिनको गेनोडर्मा के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको एकदम खोजी प्रवृत्ति के, बिल्कुल डीपली नॉलेज चाहिए बारीकी से, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको गेनोडर्मा के बारे में पूरा सीक्रेट, जो जितनी नॉलेज है वो सब कुछ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये बुक्स होनी चाहिए, और जब हम घर पे भी होनी चाहिए, घर पे हैं तो घर में ऐसी जगह पे हो कि जब भी हमारे यहाँ कोई आता है तो उसको दिख जाए, या जब हम कभी भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं तो हम अपने साथ कैरी भी कर सके। और इनका साइज ऐसा है कि आसानी से जो है वो अपने पर्स में आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम लेडीजों की बात करें तो हमारे पास लगभग उतना बड़ा पर्स होता है कि हम उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो कैरी कर सकती हैं आसानी से। तो ये बुक्स ऐसी हैं, ये प्रोडक्ट की बुकलेट है, ये भी बहुत बड़ी, ये हाफ साइज है, A4 साइज का हाफ है,
ये जो कंपनी प्रोफाइल है ये भी ए4 साइज की आती है, और बाकी ये बुक्स जो छोटी है इपोन कोशे वाली भी जो बुक है वो भी ए4 साइज की है। तो जनरली ये हमारे बैग के अंदर जो है वो आ जाती है, तो ये हमारे साथ में होना चाहिए। हम चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम किसी के यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या हम कहीं अपने जो अगर हम इस काम के साथ में हमारा कोई जॉब है या कोई बिजनेस है या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम अपने उस वर्किंग प्लेस में भी इस तीन चीजों को कैरी करके रखें, क्योंकि कभी कोई ऐसे जानकारी जिनको चाहिए आप बराबर इनको दिखा सकते हैं, तो ये आपके जो बिजनेस है ना उसको आसान कर देगा। आप कंपनी प्रोफाइल बता रहे हैं आप मत बोलिए, आप उनको वो दे दीजिए कि हाँ ठीक है मैं जब तक ये काम कर रही हूँ आप ये बुक पढ़ो और आपको इसमें से जो जानकारी मिल जाएगी फिर आपके जो सवाल होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो इस तरह से ये जो हमारा काम है ना ये आसान कर देगी। अभी जैसे मैं आपको लेटेस्ट में बता रही हूँ, मैं अभी एक मेरी जो टीम की है रेखा ताई, रेखा वानखेड़े, तो उनका को उन्होंने एक प्रोस्पेक्ट से मिलवाया। अब क्योंकि मुझे पहले पता था लगा कि वो एक लेडी आएगी, वह एक वो जो लेडी थी वो अपनी मम्मी के साथ है, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था और उनका भाई था। अब क्योंकि भाई भी इंटरेस्टेड था और वो बहन भी, तो अब मैं दोनों को एक साथ, उसके अलग सवाल उसके अलग सवाल, तो कभी कुछ इधर से डिस्टरबेंस हो रहा तो या उसकी कुछ कुछ दूसरी बातें आ रही, तो मैंने उन्होंने बुक देखी उस लेडी ने, तो पहले ही ये बुक जो है वो उन्होंने उठाया पूरा देखा, और मैंने उनको शांति से पहले पूरा देखने दिया, उन्होंने पढ़ा, उनके दिमाग में खुद अरे इससे बवासीर का भी उपाय इलाज हो जाता है, अच्छा इससे इसका भी इलाज हो जाता है, ये किडनी में भी काम करती है, अरे ये तो स्टोन में भी काम करता है। तो ये उनका वो था कि जैसे जैसे वो देख रही थी ना तो बोले ये चीजें भी ठीक हो सकती हैं, फिर उनकी क्यूरी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो है वो समझ लिया कि हाँ क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, अपना कर सकते हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है, तो सारी जानकारी जो है वो उनको इस बुक में मिल गई। बहुत अच्छी प्रवीण सालुंके सर ने ये बुक को जो है डिजाइन किया हुआ है, और पूरा नॉलेज हमको मिल जाता है अपनी कंपनी प्रोडक्ट और इनकम प्लान सबसे सबको लेके, और वो बुक भी मेरे पास है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी दिखाऊंगी, इधर उधर कहीं मिस हो गई है। तो इस तरह से हमको अपने सारे बुक्स जो है वो अपने पास में रखने चाहिए। इसके साथ में कविता आवाज नहीं आ रही है। ओके 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 हाँ वो टच हो गया था, अभी आ रही है, आ रही है आवाज? यस ओके आ रही ओके आ रही। मैम, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये हमको जितने भी सामान है वो हमको अपने घर पे भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई घर पे भी आ सकता है, और हमारे पर्स में भी होनी चाहिए कि जब हम जाएं किसी के पास तो हमारा हाथ खाली नहीं हो, हम पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र से लोड होके जाएं, ताकि हमारा एक भी जो पॉइंट है उससे हम कहीं चूक नहीं जाएं। इसके साथ में हमारे साथ में जो है वो अपना ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए, ड्राई गेनोडर्मा होना चाहिए, और हमारे पर्स में जो छोटी बुकलेट्स वगैरह आती हैं, जैसे वो 5 रुपए वाली बुक आती है, 15 रुपए की बुक आती है, एक और बुकलेट आती है, ब्रोशर्स आते हैं, तो वो भी हमारे पास होने चाहिए। एक अच्छी डायरी और एक पेन हमारे पास होना चाहिए, और एक प्लान दिखाने के लिए बढ़िया एकदम वाइट पेज वाली जो बुकलेट होती है, नोटबुक होती है, नोटपैड, वो हमारे पास होना चाहिए। और ये चीजें हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से अपने पास में रखना चाहिए, ताकि जब हम किसी के सामने खोल के रखें तो वो चीजें भी एक बहुत ही खास इम्पैक्ट जो है वो लोगों की नजरों में छोड़े। क्योंकि ये होता है ना कि आपको देख के आप वो सामने वाला वो जज करता है, क्योंकि ये जो स्लोगन बना हुआ है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट लास्ट इम्प्रेशन, तो वो होता है ना कि आदमी जब हमको देखता है, हमारे बातचीत को, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल को, हमारे जो हाव भाव है, हमारे पास जो टूल्स हैं, जब वो उन चीजों को देखते हैं तो उनसे वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और उनको उनके मन में हमारी जो एक छवि है वो अच्छी बनती है। तो इसलिए हमको ये सब चीजें हमारे पास में होना चाहिए।
और खास करके जो छोटी छोटी बुकलेट्स वगैरह हैं वो तो हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप किसी को बताते हैं समझाते हैं तो उसके बाद उसको समझाने के थोड़ी देर बाद उसको एक दो घंटे बाद बहुत सी चीजें जो है वो दिमाग से उतर जाएंगी। तो कम से कम अगर हम उसके पास एक छोटी बुकलेट ब्रोशर या कुछ भी छोड़ते हैं दे के आते हैं उनको, तो उनका रहेगा कि हाँ चलो भाई उन्होंने क्या क्या समझाया था, चलो मैं ये छोटी सी जानकारी इससे मैं जब तक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। तो इसलिए हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम एक अपना ही ब्रांड बना रहे हैं, अपने आप को ही हम एक मॉडल बना रहे हैं ताकि हमको देख के लोग फॉलो करें और हमारी तरह ही एक अच्छी टीम बने। क्योंकि हम जैसा प्रेजेंट करेंगे अपने आप को तो वो पर्सन जब हमारे साथ इन फ्यूचर जुड़ेगा तो उसको वो चीजें याद रहेंगी कि हाँ जब ये मेरे से मिली थी मैम तो इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ये चीजों को बताया था, इनके पास ये चीजें भी थी, तो वो इम्प्रेशन उसके दिमाग में जो है वो छप जाएगा और जब वो व्यक्ति हमारे साथ में आएगा तो वो भी वैसा ही फॉलो करेगा जैसा हमने किया था। ड्राइगनोडर्मा जो है वो हमेशा पर्स में रहता है, मेरे पर्स में तो हमेशा रहता है और ये सब चीजें मेरे पास रहती हैं, वो सब मैंने अपनी चीजें वो चीजें आपको बताई हैं जो मेरे पास रहती है और मैं जो फॉलो करती हूँ वो ही चीजें मैं आप सभी तक शेयर कर रही हूँ। और ये गेनोडर्मा तो ऐसा है कि मेरे पास भी रहता है, मेरे हस्बैंड के पास भी रहता है, एक हमने मंदिर में रखा है हम उसकी पूजा भी करते हैं, और एक जो ड्राई गेनोडर्मा वो मेरे लॉकर में मैंने अलमारी में बिल्कुल सुरक्षित संभाल के रख रखा है। तो इस तरह से ये गेनोडर्मा जो है वो बहुत अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि इसको कई देशों में पूजा पाठ के लिए भी इसको यूज करते हैं लोग, बहुत रिचुअल्स इसकी मान्यताएं भी बहुत अच्छी हैं। तो एक और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ये गेनोडर्मा, तो इसलिए इसको साथ में आप रखेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। इसके साथ में अब ये आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट भी हमारे साथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जब माइंडसेट बना है कि चलो आज मैं फला पर्सन से मिलने जा रही हूँ, उसकी केस हिस्ट्री मुझे पता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसको किस चीज की जरूरत है, क्या उसके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, किस हेल्थ इशू से वो लोग सफर कर रहे हैं, जब हमें ऐसा कुछ उनके पास उनके बारे में मालूम है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट भी अपने साथ में कैरी रखेंगे। हमें ये पता है कि चलो हम उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उस हिसाब से खोखो जी के सैशे रख लिए, हमें लगा कि हाँ यार उनके यहाँ जो इन लॉज है उन लोगों में से हो सकता है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, या अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, या माइग्रेन, या डायबिटीज, कुछ भी हो सकता समथिंग। तो हमको जो छोटे छोटे सैशे हैं वो तो हमें बिल्कुल ही रखने चाहिए, साथ में हमारा सोप हमारे साथ होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीजें, पेस्ट हमारा साथ में होना चाहिए, और चाय का डब्बा अगर हमको लगता है कि ये बड़ा जार हो रहा है तो एक जो जिपर वाली जो छोटी छोटी प्लास्टिक पॉलिथीन आती है तो हम उसमें चाय को भी कैरी कर सकते हैं। और जैसे ही हम किसी के यहाँ जाते हैं तो क्योंकि ये हमारा जो एक व्यवहार होता है मान सम्मान में, हम स्वागत में चाय जरूर ऑफर की जाती है, तो जब चाय हमें ऑफर की जाए तो हमें वहाँ पे चाय के लिए मना करना है। थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा कि यार मैं सामने वाले को कैसे मना करूँ, वो इतने प्यार से इंसिस्ट कर रहे हैं कि यार आप ये चाय पिए, लेकिन हमको वहां पे मना करना, क्योंकि अगर हम पी लेंगे पीते हैं तो फिर लगेगा कि फिर हमारी चाय की हम क्या वहां पे लोगों को क्वालिटी बताएंगे या खूबी बताएंगे कि फायदे बताएंगे, क्योंकि पी तो हम अल्टीमेट वही रहे, तो हमको वहां पे लोगों को मना करना है कि हाँ भाई सीधा बोल सकते भाई ये नुकसान वाली चाय मैं नहीं पीऊंगी, कि ये जहरीली चाय मैं नहीं पीऊंगी, जो भी आप शब्दों का चयन कर सके, चाय के लिए मना करना है। और अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप तो मेरे को शक्कर पानी गर्म करके दे दो और ये चाय बना के दे दो। और वैसे ही अगर हम महिलाएं कहीं जाती हैं तो हमारे पास तक बहुत अच्छा नेचर है, दोस्ती बहुत जल्दी से उस कर लेती हैं जिसके घर पे भी जाते हैं, और किचन तक पहुंचना बहुत बड़ा काम नहीं होता है, हम खुद ही चाय बना के बोल सकते हैं कि हाँ चलो मैं बताती हूँ चाय बनाना, बहुत अच्छी चाय है, बैठ के चाय भी पियेंगे बातें भी करेंगे। और इस तरीके से आप चाय बना सकते हैं, आपको चाय लगता है कि थोड़ा सा वो है तो आप तुरंत जो है वो इंस्टेंट में कॉफी बन जाती है, आप उनसे शक्कर पानी गर्म करने को बोलिए, बस बोलिए कि ला के मेरे को दे दीजिए, कॉफी आप रखिए अपने पास घोल के पिलाइए और चर्चा करते रहिए, आप दूसरी चर्चा भी साथ में करें और
इसके साथ में आप अपने कॉफी के बारे में, उसके फायदों के बारे में भी बताएं। पहले समस्या निकलवाएं, अपनी समस्या बताएं तो सामने वाला भी अपनी समस्या बताएगा, और जब सामने वाला समस्या बताएगा तो सामने वाले से ही आपको उसका उपाय भी पूछना है कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम थी उसके लिए आपने क्या सोल्यूशन किया, सोल्यूशन नहीं मिला है तो ये पी के देखो। और इसी तरह से आप जैसे बच्चा है, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, जनरली बच्चों के खाने पीने के 10 तरह के नाटक होते हैं, डाइजेशन वीक होता है, पानी कम पीते हैं और उनका खाना पीना सही नहीं होता है, चिड़चिड़े होते हैं, तो क्या है कि बच्चा अगर ढंग से ग्रो नहीं करेगा तो आप पूछ सकते हैं कि भैया बच्चे को आप क्या दे रहे हैं, बच्चा आपका बहुत कमजोर दिख रहा है आज। और उसके साथ आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले को टारगेट करें कि हाँ आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा, ये नहीं करना है, एक कॉमन डिस्कशन की तरह कि हाँ भाई आजकल बच्चों में ऐसा होता है, मेरे यहाँ भी बच्चा ऐसा है, आप किसी फला का रेफरेंस दे सकते हैं कि उसके बच्चे भी ऐसे थे, क्योंकि सामने वाले को वहां पे जो है वो ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये मुझे अपनी बातों से कहीं नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, कि टोंट मार रहे हैं, तो ऐसी वाली जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए। तो आप एक कॉमन उसमें लेके बात करें कि हाँ भाई बच्चों में आजकल ऐसा चलता ही है, और मेरे यहाँ भी बच्चे हैं, या जो भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, तो इनमें ये सब चीजें थी ही, मैं भी बहुत परेशान थी, ये सब कुछ किया, डॉक्टर को भी दिखाया, आप क्या कर रहे हो भाई समस्या के समाधान के लिए, आपने क्या किया, तो आप उस सॉल्यूशन से क्या फिर आप सेटिस्फाइड हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये एक चीज है मेरे पास, आप इसको एक बार इसको ट्राई करके देखो, एक पैकेट जो है वो यूज करके देखो। आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि बाय चांस आपसे कोई बोलता है कि हाँ चलो एक पाउच एक सैशे आपको को जी के दे दिया, या एक सैशे आपने कॉफी के उसने मांग लिया, सामने वाले ने बोला कि हाँ आप मुझे दे दो, मैं टेस्ट करूंगी, मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट कराऊंगी, अपने बच्चों को टेस्ट कराऊंगी, तो वहां पे आप ये चीज श्योरिटी दिलाइएगा कि भाई ये फायदे जो मैंने आपको बताए हैं, ये फायदा आपको तब मिलेगा जब कम से कम आप इसे रेगुलर 2 से 3 महीने यूज करेंगे। बाकी तो यहाँ पे आप एक सैशे यूज करेंगे, वहां पे आपको केवल उसका टेस्ट पता चलेगा। आप ये मत बोलना कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कह देंगे कि ये तो ऐसा ही था, ये ऐसा था, तो ना करने की वजह कुछ और हो, लेकिन ये चीज हमको उनको बराबर जानकारी दे कर देना है। और ये चीजें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये बराबर जब मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया था, जब मैंने इसको समझा था, तो शुरू किया मैंने सारी चीजें, मीटिंग अटेंड करना और वो, तो ये सारी चीजें मुझे सिखाई गई, मुझे बताई गई, समीर सर ने मुझे सब कुछ फॉलो करने को बताया कि कैसे हम लोगों के पास जाएंगे, कैसे लोगों को प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट का डेमो देंगे, कैसे जानकारी देंगे, क्या क्या चीजें हमें अपने घर में रखना, ये सब कुछ जो जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरे गुरु ने मुझे फॉलो करने को कहा जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ, और वही चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और किया है तो आज उसका मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, और आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों के साथ भी जहाँ 25-50% जो है कन्वर्शन रेशियो रहा होगा, वो रेशियो आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो कैरी करने वाले प्रोडक्ट हैं, पाउचेस में हैं, छोटे पैकेट में हैं, तो वो हमको सभी अपने साथ में रखना है। पूरा भी नहीं रखना है कि हम ले जाके बिल्कुल पूरा एकदम फैला के बैठ जाए कि हाँ ये चीज भी नहीं करनी है। सिंपल शॉर्ट में कि हाँ भाई एक दो चीजों से आप ट्राई करो, बिलीफ सिस्टम को जगाओ, और इसके बाद आप नेक्स्ट चीजों पे हाथ लगाओ। तो ये चीजें हमारे पास होना चाहिए। इसके साथ में जैसे हम जब भी घर से निकलते हैं, तो ऐसे तो हमें महिलाओं को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा सज संवर के अच्छा सुंदर दिखना हम सभी को पसंद होता है, तो हम बिना अच्छे कपड़े पहने, बिना मेकअप के हम बाहर नहीं निकलती हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है। ड्रेसअप होना थोड़ा सा ये जेंट्स में ज्यादा वो रहता है कि अगर हम प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हैं तो हमें बराबर जो है वो कैजुअल फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, अगर हम घूमने फिरने वाली ड्रेस नहीं हो कि किसी भी कपड़े में हम उठ के चले गए, तो वहां पे जेंट्स के लिए ज्यादा लागू होता है कि आप एक जब कहीं पे प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हैं तो आप फॉर्मल जाएं, अच्छा बैग आपके पास हो, अच्छी सारी चीजें आपके बैग में जो है सारे टूल्स हों। वैसे ही हम महिलाओं के पास बैग तो बड़ा होता ही है, और वैसे भी हम लेडीजें थोड़ा सा सुंदर और आकर्षक पर्स ही लेना पसंद करती हैं, और सबके पास ही अच्छे पर्स होते हैं, अच्छे बैग होते हैं, तो हमें बस उसमें ये सारे जो है वो शस्त्र डालने हैं अपने
औजार के रूप में, अपने टूल्स के रूप में, ताकि जब भी हम कहीं बैठे किसी के साथ में कहीं पे भी, तो हमारा ये हम पे रिग्रेट नहीं हो कि यार मेरे पास काश ये प्रोडक्ट होता तो मैं आज उसको उस चीज के बारे में बता सकती, या मेरे पास अगर ये ब्रोशर होता, मेरे पास ये 5 रुपए वाली स्पिरुलिना की बुकलेट होती, या मेरे पास 15 रुपए वाली गेनोथेरेपी की बुक होती, तो आज मैं इसको दे देती तो एटलीस्ट ये इसको बहुत नीट थी, ये घर पे जाके पढ़ तो लेती। तो ऐसा अपने को पछताने को नहीं रहे, इसलिए अपने पास सब कुछ होना चाहिए। और हम महिलाएं वैसे भी वेल डेस्टर्ब होती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपने साथ, तो ये सब चीजें हमारे साथ में होना चाहिए। ये ऑप्शनल है पर ये बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल जाता है, हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। और ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो बुक्स होती हैं वो है, क्योंकि इससे हमारे हमें शब्द मिलेंगे, हमें वो थॉट मिलेंगे, हमें वो पंच लाइनें मिलेंगी जिस जो सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक कर जाएंगे, फिट हो जाएंगे। और उनके कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक या दो लाइन ही हमारे दिमाग को बहुत बुरी तरीके से खोल के रख देती है, हिला के रख देती है। तो वैसे ही ये सारी बुक्स जो हैं वो हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए हैं, खुद के विकास के लिए हैं, खुद जो हमारे पास हमारे थॉट्स आए, हम अच्छे तरीके से सामने वाले को किसी भी टॉपिक पे जस्टिफाई कर पाए, समझा पाए, तो इसलिए हमको ये बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। और ये सारी बुक्स मेरे पास हैं, हम सबने भी इनको पढ़ी है, मेरे हस्बैंड भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। और बहुत सारे जो थॉट हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमें चुनौतियां फेस करने को मिलती हैं, कैसे उनको हम फेस करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये है हमारे पास अवचेतन मन की शक्ति, ये सवाल ही जवाब है, और लोक व्यवहार, ये दोनों बुक्स जो हैं ये हमें स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको शुरुआत में इन बुक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे हमको क्या है कि जो हमारा एक जैसे किसके उससे ही है कि सवाल ही जवाब है। जब हम निकलते हैं ना तो जो सामने वाले का सवाल रहता है ना, उसी सवाल में ही उसका जवाब छुपा होता है कि हम उसको क्या रिप्लाई करें। तो इस तरह से ये जो बुक्स है ना, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये बुक्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। तो हम जितनी अच्छी पर्सनालिटी अपनी डेवलप करेंगे, जितना कॉन्फिडेंस हमारा हाई होगा, बिजनेस को हम उतने ही आसान तरीके से और बिल्कुल हंसते खेलते जो है वो कर पाएंगे बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पे चुनौतियां भी आती हैं, आप हाँ निगेटिविटी भी मिलती है, लोग टांग खिंचाई भी बहुत करते हैं। तो हमको ये जब हम इन सब को बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि इन लोगों ने संघर्ष किया है, उन सभी चीजों को फेस किया है जो आज हमारे साथ हो रही है। क्योंकि जब मैं ये बुक्स पढ़ती थी मुझे लगता था कि ये सब ऐसे ही बोलते होंगे स्टार्टिंग पढ़ी, लेकिन जब ये 3 साल 3.5 साल का समय जब मेरे साथ गुजरा ना, तब मुझे समझ में आया कि वाकई में ये सब चीजें होती हैं। वो शुरुआत में ही जो बुक किसी किस बुक में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि सबसे पहला जो हमारा बंधन होता है या ना मिलती, वो हमको घर से मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे खास रिलेटिव होते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो रोड़ा बनते हैं आगे बढ़ने में, सपोर्ट हमें बहुत कम मिलता है। तो ये सब चीजें इन सभी के साथ में हुई हैं, जिन जो भी इनके ऑथर हैं सबके साथ में वो घटना घटी है, और सच्ची जो रियलिस्टिक इनकी बातें हैं वो ही आपको इसमें पढ़ने को मिलती हैं। और तो उससे अपने को भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ यार जब इनके साथ हुआ है और इन्होंने इस चीज को फेस करके सफल हुए हैं, आज सक्सेसफुल लीडरों में इंसानों में आते हैं, तो भाई हम भी जर्नी में अगर बढ़ते रहे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और इन सबके साथ में सबसे जो जरूरी बात है कि हमें नोट्स बनाना है। हमारे साथ में कोई से भी हम मीटिंग अटेंड करें, कोई सा भी सेमिनार हो, हमारे पास जो डायरी पेन होना चाहिए, ताकि हम अगर कोई बुक ही पढ़ रहे हैं तो बुक में कौन सी अच्छी लाइन लिखी हुई है वो हमें अच्छी लगी, फटाफट हम उसे डायरी में नोट कर लें, क्योंकि कब वो लाइन हमारे किसी व्यक्ति से बात करते समय वो उससे फिट बैठेगी, तो हम उसे उस लाइन के थ्रू बोल के उसे हम बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे हम समझा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो बुक्स पढ़ते समय कुछ अच्छी पंच लाइनें मिले, अच्छे थॉट मिले, तो हमें उसको अपने पास में नोट डाउन करके रखना चाहिए।
अब ये है हमारे पास कुछ डिजिटल टूल्स। अभी तक तो जो थे वो फिजिकल टूल थे, ये सभी हम लोगों को दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, सारे फिजिकल टूल्स थे। अब आज के समय में जो पिछला एक साल जो बदल गया है, और उस समय में हमें जो फिजिकल टूल से ज्यादा हमें डिजिटल टूल की जरूरत पड़ रही है, तो ये सारे हमारे जो है वो डिजिटल टूल्स हैं जिनका आज के समय में हम सभी लगभग कहें कि 100% जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में होना चाहिए और इसे चलाना भी हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब ये जैसे इसमें डिजिटल टूल में भी है ट्रेडिंग टूल्स आते हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल है। ऐसे तो ये सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे, आगे बताएंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जैसे आपके पास आपके व्हाट्सएप में या आपने एक्सेल शीट में जहाँ कहीं भी आप मेंटेन कर सकें, तो जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो आपके पास में एक अलग उसमें हो, चाहे आप व्हाट्सएप में एक अपना छोटा सा या एक दो लोगों का ही ग्रुप बनाए या किसी को आप भेजें, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे जो लिंक है वो आपके पास एक ही कॉन्टेक्ट में या एक ही ग्रुप में हो। वैसे ही सक्सेस स्टोरी है उसके लिए आप अलग बनाइए, और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल है उसके लिए आप अलग बनाए। तो इससे होगा ये कि जैसे किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिमोनियल चाहिए, तो आप उसको फटाफट, आपको पता है कि हाँ भाई इस फला नाम के ग्रुप में मेरा टेस्टिमोनियल रखा है, और आप उसको फटाफट उठाएंगे और दे देंगे। माइक ऑन। तो वैसे ही किसी के बारे में हमें बताना है कि उसे मोटिवेट करना है कि भाई वो अच्छे तरीके से काम करे और अब बहुत आगे बढ़े, तो हम उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर दें, तो उसकी लिंक हम फटाफट वहां से उठाएं और फला व्यक्ति को हम दे दें। किसी को ट्रेनिंग के बारे में हमको जानकारी देनी है कि क्या क्या ट्रेनिंग के लिए हमको जरूरी होता है, कैसी ट्रेनिंग मिलती है, तो ट्रेनिंग वाला हमने उठा के दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास में जो है ये सारा, या तो हम मोबाइल पे मेंटेन करें या फिर हम उस लिंक को अपने पास लिख के रखें कि ये डायरी में भी नोट कर सकते कि हाँ भाई मैंने इसको यहाँ रखा, मैंने इसको यहाँ रखा है, या फिर आप एक्सेल शीट जो है उसमें मेंटेन करके रखें कि हाँ मेरे पास ये चीज यहाँ पे रखी हुई है, तो जब भी जरूरत आए तो हम उसे दे दें, या फिर हम उसको ईमेल पे रख सकते हैं। तो जो भी इजी हो, हम अपने अपने मोबाइलों में इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप जो है बायफरकेट जो है वो करिए, ताकि बिजनेस करने में हमको आसानी हो सके। तो ये था हमारा टूल। अब मेरे हिसाब से ये जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं वो सब हम अपने पास मैनेज करके रखते हैं, इसलिए हमने आपको अपने टूल्स के बारे में जानकारी दी। अब आप लोग अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और ये टूल्स कितने इम्पोर्टेंस है और टूल हमारे बिजनेस को बढ़ाने में कितनी मदद करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं चाहूंगी कि बाली मैम बताएं कि उन्होंने इन टूल्स को कैसे यूज किया है और कैसे अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाया है। तो बाली मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, कविता आ रही है। ओके मैम, ओके। तो मैं आपसे चाहूंगी कि इन सभी टूल्स का आप कैसे यूज करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम, आ रही है। और इन टूल्स को यूज करके आपने अपने बिजनेस को कितना बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है, और कैसे ये टूल जो है वो आपके लिए मैजिक का काम करते हैं और आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उन सभी के बारे में आप थोड़ा सा जो जानकारी है वो शेयर करें हम तक। वेलकम बाली मैम, सभी तालियों से स्वागत करें बाली मैम का, और उनके टिप्स और ट्रिक्स बहुत काम आते हैं, आप इनको जरूर रखें अपने पास और लिखें, डायरी में भी नोट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ लिखना और सुनना ही नहीं है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें बाली मैम बहुत अच्छी अच्छी हमें ब्यूटी टिप्स भी लास्ट टाइम दी थी, उनको आप अपने पास नोट डाउन करके रखें और उनको इम्प्लीमेंट करें, लोगों को शेयर करें। तो आज टूल्स के बारे में हम देखते हैं कि मैम कैसे टूल का यूज करती हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। तो वेलकम बाली मैम। यस, थैंक यू कविता। सर्वप्रथम मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद दूंगी, साथ ही मैं अपने परम आदरणीय गुरु
समीर जैन सर को धन्यवाद दूंगी जो आज हमें इतना अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं, इतने लोगों के बीच हम लोग बोल पा रहे हैं, हमने जो भी उनसे सीखा वो हम तो मैं सर से कहूंगी, मैं अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगी उन्हें, क्योंकि वो भी आज मीटिंग में हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो दिखे ना भी दिखे तो भी वो तो हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी सीख कर लोगों को शेयर कर रहे हैं वो सारा कुछ उन्हीं की बदौलत कर पाते। तो हमारे इंदौर के धुरंधर लीडर को मैं बाली सोनी इंदौर से उन्हें प्रणाम करती हूँ, साधक चरण स्पर्श भी करती हूँ ताकि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि कविता ने बताया है, हमें DXN बिजनेस करने के लिए जितने भी टूल्स की आवश्यकता होती है वो आप लोगों को स्क्रीन पर सभी कुछ उसने बताया है, और वो सारे यदि टूल्स हम इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, हम तरक्कियों को छू पाएंगे, हमारे सपने हम पूरे कर पाएंगे। तो कविता ने बताया ही है कि हमारे जो बिजनेस टूल्स हैं वो फाइल हैं, बुक्स हैं, जितनी भी DXN की प्रोडक्ट की छोटी छोटी बुक्स हैं और DXN के पैम्पलेट भी हैं, DXN के प्रोडक्ट के नॉलेज लेने के लिए जो हम किसी को हैंड टू हैंड दे सकते हैं उन्हें नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति एकदम से तैयार नहीं होता है हमारे बिजनेस में आने के लिए, तो उन्हें हम कुछ समय देते हैं कि आप हमारी ये पैम्पलेट पढ़िए और आपको जो भी लगता है इनको पढ़ने से आपको जो भी नॉलेज मिलता है और आपके जो भी सवाल होंगे हम उसके जवाब देंगे, और आप अपना मन बनाइए कि बहुत प्राकृतिक प्रोडक्ट है ये, हमारे एकदम ऑर्गेनिक है, इनकी जो भी जानकारी लेनी है आप लोग इन सब चीजों से लीजिए। तो जैसा कि हमें पैम्पलेट हमेशा अपने पास होना चाहिए, साथ में CD होना चाहिए, और जैसा कि बताया है कि वेबसाइट पे जो फेसबुक है, यूट्यूब है, उन सबकी लिंक भी एनी टाइम हमारे मोबाइल में होनी चाहिए और हमारी टीम के हर व्यक्ति तक हमें पहुंचानी चाहिए कि इस टाइप से हमें ये बिजनेस को आगे लेके जाना है। अपने टीम में जितने भी लोगों को शामिल करें, जितना हमने अपने गुरु से सीखा है वो सारा वैसा का वैसा डुप्लीकेट करना है अपनी टीम के लोगों के बीच में, और जो लोग करते हैं ईमानदारी से वो लोग तरक्की करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो अपने पास अपनी सारी काबिलियत जमा करके रखते हैं लोग बिजनेस जरूर करते हैं, परंतु उनका उनके ऊपर जो एक स्पेशल अनुकंपा होनी चाहिए भगवान की वो नहीं हो पाती, धीरे धीरे उनका कभी कभी बिजनेस ठप भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि जितना भी हम सीखे हैं वो हम अपनी टीम में लोगों को सिखाएं। जैसा कि कविता हमारे गुरु समीर जैन आप सभी लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं, हमें भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि हम बिजनेस कैसे करें। जब हमें सब मीटिंग्स वगैरह सुनने से हमारे गुरु से हमने नॉलेज लेना शुरू किया तो हमें आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरी कॉन्फिडेंस पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आज काम कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं, लेडीजों को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं। और यदि ये सारे जो टूल्स बताए वो टूल्स यदि हमारे पास नहीं होंगे, जैसा कि सभी DXN के प्रोडक्ट बड़ा पाउच है और उसमें छोटे छोटे शेष हैं, वो यदि हमारे साथ में है, हम कहीं भी गए हमारे पास में था तो हमने किसी को भी
उसका नॉलेज दिया। यदि हमारे पास नहीं है तो हम सिर्फ अपने मुंह से उसका नॉलेज देंगे, बाकी हम उसे टच करने के लिए या उसे टेस्ट करने के लिए सामने वाले को नहीं दिखा पाते हैं। तो कोशिश करें कहीं भी जाएं अपने पर्स से हमेशा एनी टाइम रखें, उसमें कुछ दो सब कोई भी तरह के जो होते हैं वो उसमें जरूर अपने पर्स में कैरी करके लेकर जाएं, ताकि खुद भी यूज करें, लोगों को करवाएं भी और उसकी बात शेयर भी करें कि ये कैसे हमें बेनिफिट दे रहे हैं, यदि आप यूज करते हैं तो आपको भी बेनिफिट देंगे। तो आप हमें सभी लोगों को ये लेके चलना है, क्योंकि कंपनी ने सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें करीब करीब कॉफी, कोकोजी, लेमन जी, सेरेल, जितनी भी डीप टी है उसमें छोटे छोटे शेशे दिए हैं हमारी सुविधा के लिए, कि हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं जाना है, मीटिंग सिटी में जाना है या किसी के घर मिलने जाना है, तो ये पाउच हम बिल्कुल आसानी से अपने साथ में ले जाकर उन्हें इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और यदि हम ये पाउच यदि नहीं ले जा पाए या पेम्पलेट हमारे साथ नहीं है, हमारे मोबाइल में किसी भी टाइप की डिएक्शन का कुछ भी बताने के लिए नहीं है, तो हमारे नुकसान भी होगा ना। हमें क्या बताएंगे उन लोगों को, कि सिर्फ समझाएंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारी चीज को समझ जाएंगे, कि ये व्यक्ति खुद यदि अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, इसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ टेस्ट कराने के लिए नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए पैम्पलेट नहीं, तो वो व्यक्ति तो वैसे हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव हो ही जाएगा ना, कि इनके पास कुछ नहीं है तो फिर शायद कंपनी में भी कुछ विशेष नहीं होगा। तो कोशिश करें, मेरी डायरी नहीं मिल रही है, वही धुला था ये सब गए थे तो गया था से पहन के। हाँ, कितनी बार जब आए थे धुले नहीं थे तुम, चार पांच दिन रह गया। निशा माई, अरे मुझे मीटिंग सुन ले दो बस, मैं नशे में हूँ। ठीक है निशा, माइक बंद करिए। ओके, तो मैं बता रही थी कि हमें ये सभी टूल्स अपने साथ रखना चाहिए। मैं आप सभी को पता है मैं पार्लर चलाती हूँ, तो मेरे पार्लर में मैंने ये सभी टूल्स बिल्कुल ऐसे रख रखे हैं, कहीं भी जमा करके और ऐसे सोके मतलब ऐसे कोई अलमारी में पैक करके नहीं रखे। ये सभी चीजों को बिल्कुल आंखों के सामने किसी की भी नजर पड़े इस टाइप से ये सब चीजें मैंने एनी टाइम सामने रखी है। मेरे मुझे भी हमेशा दिखता रहे ये सारा, कि मैं उसे लेकर कुछ पढ़ने का या कुछ करना हो तो मैं देख सकूं, या मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं उनके भी नजर जाए, वो कुछ बैठे वेट करते हैं, काम करवाते हैं जब, तो वो बैठे पढ़े और पढ़ के जाए, और कुछ साथ में मैं उन लोगों को पैम्पलेट दे भी देती हूँ कि आप ये प्रोडक्ट तो लेके ही जा रहे हैं, साथ में ये प्रोडक्ट का ही पैम्पलेट है, आप घर जाकर पढ़िए, अपने हस्बैंड को पढ़वाइए, यदि आपके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको बोलिए कि ये सारे प्रोडक्ट सर्च करिए गूगल पे, आपको बहुत सारी वेबसाइट डीएक्सएन की मिलेगी, वहां पर पूरा नॉलेज दिया गया है, आप बिंदास वहां पर जाकर पढ़िए। तो हमारे पास ये सब चीजें एनी टाइम होनी चाहिए। मैंने अपने पार्लर में बहुत सुंदर सजा रखा है अपना पार्लर, और बहुत आसानी से सरल तरीके से मैं ये डीएक्सएन बिजनेस कर पा रही हूँ। और साथ में यदि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, और जैसे कि हम कार से कहीं जा रहे हैं, तो कार में भी एनी टाइम अपना डीएक्सएन का प्रोडक्ट होना चाहिए, पैम्पलेट और प्रोडक्ट। यदि टर है तो टू व्हीलर के डिक्की में भी छोटे छोटे जरूर होना चाहिए, कब कौन अपने बीच में आ जाए और उसको हैंड टू हैंड हमें किसी प्रोडक्ट को देना पड़ जाए या पैम्पलेट देना पड़ जाए, तो वो एनी टाइम रखो। यदि नहीं रखोगे तो उस समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घटा हुआ दिखेगा, सामने वाला हमारा चेहरा पढ़ लेगा कि ये व्यक्ति आधा अधूरा है, इसको कोई इतना विशेष है नहीं, तो अपनी कंपनी वहां पर दिखती है कि ये मतलब बहुत अच्छे से काम करने वाली महिला नहीं है और हमें ऐसे ही बता रही है। यदि हमारे पास रहेंगे तो हम पूरे
जोश के साथ उसे प्रोडक्ट भी देंगे, सेल भी करेंगे, उसे अपना यूजर भी बना पाएंगे, उसे पढ़ने के लिए पैम्पलेट भी देंगे। तो देखिए, मैंने प्रोडक्ट, पैम्पलेट, बुक्स के बारे में आप लोगों को जो भी बताया है वो आप सभी लोग फॉलो करें, कभी भी गलती ना करें, है ना। साथ ही मैं कुछ चीजें बताती हूँ कि DXN के प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलते हैं। यदि हम तुरंत किसी को भी एक कप कॉफी भी यदि पीने के लिए कॉफी बनाइए, चाय बनाइए, ब्लैक टी बनाइए, रिशिगेनो टी, लिंजी कॉफी यदि हमने बनाई है, तो हमें अपने मैं अपने पार्लर में अपने कस्टमर को शेयर करती हूँ, उन्हें यूज करने के लिए समझाती हूँ कि आप थोड़ा टेस्ट करिए कि कैसा लगेगा। सामने वाला यदि एक कप कॉफी पीकर गया, मतलब वो शाम को मुझे फोन जरूर करेगा कि उसे कुछ एक स्पेशल कुछ अनुभव जरूर हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत स्पेशल है। यदि किसी को कॉफी पिलाई है आपने, चाय पिलाई है, तो वो ऑटोमेटिक आपको वो चीज शेयर करेगा कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है। अच्छा अनुभव हो रहा है तो वो बड़ी खुशी खुशी भी बताएगा, और यदि उसे कुछ तकलीफ जैसा भी हो रहा है कि यदि किसी ने बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां ली है और यदि उसने एक कॉफी मग भर के यदि ब्लैक टी पी ली है, तो उसे उल्टी जैसा रात तक थोड़ा फील यदि होने लगता है, तो हम उसे समझा पाएंगे कि आपकी बॉडी अंदर से कितनी डैमेज हो चुकी है। इसलिए हमारी चाय ने ये आपको निर्देश दिया है कि आप इसे जरूर से इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, पेट और फिर वो चाय जरूर लेगा और उसका बेनिफिट देगा आपको। साथ ही एक मिनट, है ना, कस्टमर को थोड़ा जवाब दे दूं मैं। ओके, चलिए, मैं यदि आप लोगों को समझाती हूँ कि आप अपनी टीम में पार्लर चलाने वाली महिलाएं, सिलाई करने वाली महिलाएं, साथ ही बुटीक का जो करती हैं, मेहंदी का जो काम करती है, साथ में कोचिंग चलाने वाली महिलाएं, जो टीचर होती है, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शामिल करिए, क्योंकि ये महिलाएं बहुत मेहनती होती है और इस टाइप से उनको जो अर्निंग होती है वो तो टेम्परेरी होती है, परमानेंट यदि इनकम चाहते हैं तो उनको DXN जरूर समझाओ और उन्हें बताओ कि आप यदि पार्लर चलाते हैं तो पार्लर में इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और इससे भी बेनिफिट मिलेगा, वेल्थ। यदि सामने वाला स्वस्थ रहेगा और सुंदर रहेगा तो हमारे काम को तो वैसे भी चार चांद लग ही जाते हैं। इस टाइप से हमें काम करते चलना है। और मैंने अपने पार्लर में जितना भी, मतलब ऐसा नहीं कि चार दीवार का पार्लर है तो बस खाली दीवार है, मैंने अपनी पार्लर में सभी चारों तरफ DXN का एक तरह से यूं देखा जाए कि एडवर्टाइज के हिसाब से यदि आप समझे तो मैं समझाऊंगी कि कोई भी व्यक्ति को यदि आप मुंह से समझाएंगे तो वो एक अलग चीज सामने वाले तक जाएगी, और यदि वो खुद समझेगा, जितने भी बैनर लगे हुए हैं बहुत यूनिक बैनर है, मेरे गुरु द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया है कि इस टाइप से चीजें यदि यूज करते हैं तो अपने को डबल बेनिफिट मिलता है। हमने जब भी ऑफिस में सुना तो वहां से जितने भी मुझे सभी बैनर अपने पार्लर में लगाए हैं, तो सवाल आते हैं मेरे पास, पूछा जाता है कि ये क्या है, ये किस टाइप से काम होता है, इसमें कैसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, कैसे अर्निंग होती है। तो हमें उस व्यक्ति को समझाने में बहुत आसानी होती है,
दिन में उसे हम ये सारी चीजें समझाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसे हमारी द्वारा बताई गई जानकारी इतने अच्छे से समझ में आए कि वो प्लस सोचे एकदम पॉजिटिव होकर और इस बिजनेस में या तो यूजर बन जाए या हमारी टीम में आकर वो एक नेटवर्कर बन जाए। तो यदि आप लोग अपने साथ टीम में किसी ब्यूटिशियन को यदि शामिल करते तो उसे बोलो कि आप अपने पार्लर में बहुत अच्छे से बैनर वगैरह लगाएं, सभी तरफ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम इतनी स्पेशल कंपनी में वर्क कर रहे हैं और ये कंपनी ऐसी कोई चालू कंपनी नहीं है, ये बहुत सारे देशों में काम कर रही है, खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और एकदम ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। वो सारी चीजें हम समझा पाए, हमारे प्रोडक्ट के भी बैनर लगे हुए होना चाहिए पार्लर में और उसे समझाएं कि वो लगाए। साथ में हर महीने पहली तारीख को यदि हम पीवी बनाते हैं तो हमारे पास एनी टाइम प्रोडक्ट सामने जमा हुआ मिलता है। किसी को भी टीम में शामिल करो तो उसे समझाओ कि आप पहली तारीख को ही प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए ताकि पूरे महीने हम काम कर सकें, सामने दिख सके। हम हमारे घर में भी जो मिनी स्टॉक पॉइंट बनाकर रखते हैं, स्पेशल हम कॉर्नर बनाकर रखते हैं, वहां पर हमारे प्रोडक्ट जमे हुए मिलेंगे तो कोई भी देखेगा तो उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेगा, तो हम डिटेल भी देंगे और साथ में प्रोडक्ट भी उन्हें हाथों हाथ थमा देंगे। तो हमें इस टाइप से काम करते चलना है, बहुत अच्छा बिजनेस है, मैंने अपने बहुत सारे सपने इसी बिजनेस को करते हुए पूरे कर लिए हैं और काम करते हुए चल रही हूँ मैं। साथ ही मैं अपने पार्लर की एक हकीकत बताती हूँ कि मैं अपने पार्लर में जो शाम का डोज लेना होता है डीएक्सएन का, वो मैं अपने कस्टमर के सामने ही लेती हूँ। स्पाइरलिना भी लेती हूँ, आरजीजीएल भी लेती हूँ। वो क्यों लेती हूँ? ताकि सामने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसे यकीन हो कि ये सिर्फ सेल आउट ही नहीं करती है, ये अपने आप को भी सही रखने के लिए खुद भी यूज कर रही है, तो ही हमें समझाती रहती है। तो वो जरूर करना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोशिश करें यदि कहीं जाओ आओ अपने साथ में प्रोडक्ट यदि लेकर जाते हो तो किसी के सामने जरूर इस्तेमाल करो, जानबूझकर करो, उन्हें दिखाओ कि हम इसे वाकई में यूज करते हैं, हम सिर्फ बता नहीं रहे हैं, वाकई में यूज करते हैं। तो इस टाइप से मैं ये करती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी लोग इस चीज को जरूर फॉलो करें। साथ ही मैं घर, ऑफिस और जो महिलाएं स्कूल में वर्क करती हैं उनके लिए भी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। जैसा कि हम लोग घर में एक सुंदर जो जगह तो हमने बनाई ली है, लोगों की जो उस प्रोडक्ट पे नजर पड़ती रहे, जिससे हम मिनी स्टॉक पॉइंट कह सकते हैं, और वो प्रोडक्ट वहाँ यदि जमा हुआ है तो व्यक्ति सवाल करेगा और हम उसे देंगे। साथ ही हमें घर में आए हुए व्यक्ति को अपने घर का चाय, दूध वाली चाय या बिस्किट बाजार वाले नहीं खिलाना है। हमारी डीएक्सएन की चाय, कॉफी, लेमन जी, रोजल ये ही इस्तेमाल करवाएं और उनके सामने लाई बनाकर पिलाएं। और नाश्ते के लिए हमें डीएक्सएन के मधुरम जो कुकीज होते हैं वो उन्हें जरूर दें खाने के लिए नाश्ते के रूप में, और उन्हें उसका बेनिफिट भी समझाएं। तो घर में इस टाइप से यदि करेंगे तो आपके धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग, अपने आने जाने वाले लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि ये बहुत यूनिक कंपनी में काम कर रही है और ये वाकई में इनके घर में यूज होता है तो ही ये हमें समझा रही है। यदि यूज करेंगे तो हमारे चेहरे पर उसकी झलक जरूर नजर आएगी, हमारी स्किन ब्यूटीफुल दिखेगी, हमारे हेयर ब्यूटीफुल दिखेंगे, हम स्वस्थ दिखेंगे, सामने वाला हम पर बहुत अच्छे से यकीन करेगा। तो जो भी लोग घर से बिजनेस करते हैं तो वो अपने घर पर जरूर प्रोडक्ट को जमाएं।
जो महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं वो अपने बैग में या अपने ऑफिस का जो भी केबिन वगैरह बना हुआ है वहां पर डीएक्सएन की कॉफी इजी तरीके से बना सकती है। डीप टी के जो शेषे हैं उससे वहां पर मसाला टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी बना सकती है। वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई छन्नी वन्ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गर्म पानी बुलवा लीजिए या वहीं पर इलेक्ट्रिक जग रखिए और उससे कॉफी बनाकर, चाय कॉफी बनाकर खुद पिए और वहां पर अपने जितने भी में काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी दिखाएं कि यूज करें, ताकि सामने वाले को दिखे कि ये क्या यूज कर रहे हैं। तो वहां पर आपको कस्टमर जरूर मिलेंगे, साथ में वहीं से नेटवर्कर भी आपको मिलना शुरू होंगे। साथ ही में स्कूल में काम करने वाली, आज टीम मीटिंग में भी कुछ स्कूल में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगी कि वहां पर अपने साथ में प्रोडक्ट यदि रखते हैं तो आप किसी को दिखा सकेंगे। वहीं पर अपने ऑफिस में ही बैठकर अपने टीचर्स को, अपने जितने भी सर मैडम जो भी हैं उनको आप ये प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकेंगे और लाइव उन्हीं के सामने कॉफी बिल्कुल सरल तरीके से बनाकर उन लोगों को पिला सकते हैं। इसी के साथ में एक छोटी सी और जानकारी दूंगी, हमारे डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट है उसमें जो गैनोजी सोप है उसमें एक स्टिकर निकलता है, उस स्टिकर को जरूर यूज करें। मोबाइल पर, अपने पर्स पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी जो भी टेबल है जहां पर, यदि पार्लर है तो अपने मिरर पर, कांच पर लगाकर रखें, तो वो भी एक टूल है हमारे लिए। छोटा सा टूल है परंतु बहुत काम करता है कि ये क्या है, ये DXN क्या लिखा हुआ है, तो हम उसे हम शेयर कर पाएंगे कि ये क्या है, हम इसमें क्या बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी आ जाओ हमारी कंपनी में तो आप भी बेनिफिट ले पाएंगे। ये बहुत छोटा सा है परंतु बहुत काम आता है। मैंने शुरुआत में, मेरे पास तो कोई बैनर पैम्पलेट कुछ नहीं था, मैंने उस छोटे से स्टिकर से ही शुरुआत करी। मैंने अपने मोबाइल पर चिपका कर रखा था, वो खराब हो जाता है जब साबुन नहीं खुलती, जब मैं नया स्टिकर लगा कर रखती और बड़े चाव से लोगों को दिखाती थी कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसमें काम कर रही हूँ और मेरे सपने पूरे करूंगी। आज मेरे पास काफी सारे पैम्पलेट हैं, बुक्स हैं, सीडी है, साथ में बैनर है। मैंने अपना जो ब्यूटी पार्लर का जो बोर्ड बनाया है वो भी पूरा DXN है। वो कोई भी यदि DXN का बंदा यदि वहां से निकलता है या बंदी निकलती है, पांव जरूर थम जाते हैं कि ये DXN वाला पार्लर है। और वो भले मेरी कस्टमर नहीं है फिर भी वो रुकेगी, मेरे से बातचीत करें, कुछ चीजें समझ कर और अपने घर पर अप्लाई करेगी। तो इस टाइप से हमें इस बिजनेस को करना है। फ्रेंड्स, आप सभी में वैसे ही काबिलियत है, तुम वो सब कर सकती हो जो चाहती हो। तो हमें कोशिश करना है हर दम, मेहनती महिलाओं से बात करना है, कामकाजी महिलाओं को ही अपने साथ शामिल करना है। जो आलसी महिलाएं जिनके कोई सपने नहीं है, वो अपने पति की कमाई पर ही जीती है, उन महिलाओं को समझाना जरूर है परंतु उनका माइंड ओपन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। परंतु यदि मेहनती महिलाओं से अपन बात करेंगे तो वो महिलाएं हमारी बात को समझेगी, क्योंकि मेहनत करने वाली ही महिलाएं आकाश की बुलंदियों को छूने का दम रखती है। जो आलसी महिलाएं रहती है वो तो वैसे ही अलग दुनिया में जीती है। इसलिए मेहनती महिलाओं पर ही फोकस करें। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेहनती महिलाओं में पार्लर चलाने वाली, टीचर वाली महिलाएं, स्कूल में नौकरी करने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं, मेहंदी करने वाली महिलाएं, सिलाई करने वाली महिलाएं, जो भी फाल पीको फिनिशिंग जो भी करती है, जो छोटे छोटे काम करती है, साथ ही जो ज्वेलरी
इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करना, बहुत आसानी से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। सिर्फ उन्हें सही तरीके से हमें जानकारी देनी है तो वो समझेगी और वो धीरे धीरे बिजनेस करना शुरू करेगी। क्योंकि बहुत सी महिलाएं तो डोर टू डोर ज्वेलरी बेचने जाती है, वो यदि महिलाएं डोर टू डोर चाय साबुन और पेस्ट देने निकल जाएगी तो जो ज्वेलरी से उन्हें रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलता उससे कहीं गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा DXN के प्रोडक्ट से उन्हें रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा, पी भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सब कुछ वहां से मिलना शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे वो बहुत अर्निंग पा लेंगी। तो मेरी गुजारिश है आप सभी महिलाओं से कि ऐसी महिलाओं पर जरूर फोकस करें, क्योंकि मैं भी ऐसी ही महिलाओं पर फोकस करके काम कर रही हूँ और एक टीम बिल्ड कर रही हूँ। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगी, क्योंकि जो जो भी लोग यदि नौकरी कर सवारी करने वाली यदि नौकरी छूट गई तो जो शेर था वो हमारी सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर देगा। हमारा न तो हम घर परिवार चला पाएंगे, ना हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगे, ना हमारा खर्चा चल पाएगा। कहने का मतलब कि नौकरी करना मतलब शेर की सवारी करना, तो हमें खुद शेर बनना है। हमारे पास इतना टैलेंट होना चाहिए, स्पेशली मैं महिलाओं से कहूंगी हमें शेरनी बन जाना चाहिए और खुद निकलना चाहिए एकदम पूरी क्या बोलते हैं अपने पूरे जोश के साथ में, पूरी हुंकार के साथ में कि हम भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और बड़ा नौकर ना बने, छोटा मालिक बनना ज्यादा अच्छा होता है। अपने बिजनेस के हम खुद मालिक हैं, खुद एक सेलिब्रिटी हैं। हमें तो ईश्वर ने सिर्फ एक इंसान बना दिया, परंतु डीएक्स दिया है कि हमें लोग अलग तरीके से पहचानते हैं, बहुत मान सम्मान देते लोग अपने दिमाग में ले लेते हैं। तो डीएक्स एंड बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है और हम वो सब पा सकते हैं जिसकी हमें चाहत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। एक बार फिर से मैं अपने गुरु को चरण स्पर्श कहूंगी, क्योंकि आज यदि मैं बोल पा रही हूँ, यदि आज मैं कुछ डीएक्शन में कर पा रही हूँ तो मैं अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन से कर पा रही हूँ। तो सभी लोग अपने जीवन में एक अच्छा गुरु बनाएं और उस गुरु को फॉलो करते चलें और काम करें। साथ ही मैं अपने मोबाइल का कैमरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे पास सभी टूल, सभी मेरे पेम्पलेट जो भी हैं वो मेरे आज काउंटर पे रखे हुए हैं। मैं एनी टाइम काउंटर पर ही फैला कर रखती हूँ, तो आप लोग सब देख सकते हैं। कविता, क्या मेरा जो भी सामान है, मेरे जितना भी टूल है वो आप लोगों को दिख रहे हैं? कविता, मेरा सवाल है। नहीं 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 दिख रहा है आपका, नहीं वीडियो नहीं दिख रहा आपका, ये रुका हुआ है। हाँ अब दिखा थोड़ा सा, हाँ दिखा दिखा। ओके, दिख रहा है? यस यस मैम दिख रहा है। ये सभी है, ये छोटे छोटे फिर से नहीं दिख रहा है। ये सभी पाउचेस है? हाँ मैम दिखा, थोड़ी स्क्रीन नेटवर्क इशू हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? जी 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 दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये सभी पाउचेस रखे हुए हैं छोटे छोटे यहाँ पर, ये सभी बुक्स वगैरह है जो अभी आपको कविता दिखा रही थी। दिख रहे हैं ये सभी? yes. बुक्स है ना। साथ ही मैंने अपने पार्लर को इस टाइप से सजाया हुआ है, आप लोग लाइव देख लीजिए।
दिख रहे हैं से सभी पर? हाँ मैम दिख रहा है, दिख रहा है। अभी थोड़ा सा रुक गया है, नेट की कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हाँ दिखा दिखा, इस टाइप से आपको है ना जी। आप लोग सभी लाइव देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। खत्म करूंगी मैंने आज ये सब चीजें आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य यही है कि यदि हमने बोला है तो हम वाकई में ये सब चीजें हम करते हैं तो ही हम बता पा रहे हैं। हमारे पास ये सभी टूल्स हैं तो ही हम आपको कह पा रहे हैं कि आप भी इस्तेमाल करें। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप सब लोग भी बढ़ते जाएं। ऊंचाइयों को छूने का हर इंसान को भगवान ने देकर रखा है, उसे सिर्फ हमें पहचानना है, हमारी सोच को बदलना है और एक अच्छी सोच बनानी है, तो बस सभी लोगों के सपने पूरे होंगे। जैसे मैं और कविता हम लोग कर रहे हैं उस टाइप से आप सभी लोग काम करिए। और उसी के साथ में थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया कि वास्तव में सारे टूल्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना हमारा मदद करते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? ओके मैम, ओके। तो हमारा जो काम है उसको आसान करते हैं, तो हमारे पास ये सारे टूल्स होने चाहिए ताकि हम जब भी किसी के पास बात करें बैठें तो ऐसा नहीं हो कि कोई सा भी शस्त्र जो है वो टूल जो है हमारे पास ना हो। हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल में भी वीडियोस होने चाहिए, टेस्टिमोनियल के वीडियो होने चाहिए। हमारे मोबाइल तो आजकल मतलब बहुत बड़ा साधन है हमारा, हमारा बिजनेस करने का, उसको आगे बढ़ाने का, तो वो भी हमारे साथ होना चाहिए। बाकी जितने भी हमें अपने पर्सनल जो ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी भी होनी चाहिए। और इसका अभी जो बहुत अच्छा मैंने जो एक एग्जांपल देखा और उससे मुझे बहुत अच्छी सीख भी मिली, जो एक मतलब मेरी यूं कहे कि डाउन लाइन है, एक 60 साल की महिला मराठी लेडी और जो समझ लीजिए कि दैनिक मजदूरी का काम करने वाली, खेतों पे काम करने वाली लेडी, वो दिन का एक डब्बा लेके निकलती थी और जहां भी जाती थी लोगों को चाय बना के पिलाती थी। और समझ लीजिए कि वो एक डब्बा चाय लेके निकलती थी तो हर महीने के वो 30 से 40 डब्बे चाय जो है वो बेच देती थी। तो ये एक हमको सीखने का मिला कि यार हम लोगों के घर में जब भी किसी के यहाँ जाते तो हमको चाय अपने साथ में जब रखेंगे, उनको पिलाएंगे, उनके फायदे बताएंगे तो लोग क्यों नहीं लेंगे। तो इस तरह से है। और जब भी लोगों के सामने हम कभी भी पीते हैं तो हमें बराबर ऐसा भी नहीं कि अगर हम ट्रांसपेरेंट कप रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए। जब जो चीज दिखती है वो उस पे लोग ज्यादा जल्दी सवाल भी करते हैं, क्यूरी भी आती है और उनको विश्वास भी होता है। तो इसलिए हमें ऐसे जब भी यूज करें तो बराबर दिखाएं भी, क्योंकि ऑडियो और विजुअल दोनों इफेक्ट जब साथ में मिलते हैं तो रिजल्ट बेस्ट आता है। तो हमें ये दोनों इफेक्ट को लेके चलना है कि हमें दिखने वाली चीजें भी हो और बोलने वाली भी, दोनों शस्त्र दोनों टूल हमारे पास होने चाहिए। और ये समझ लीजिए कि सभी आज ही अपने जो रूम का दरवाजा है या हम कहीं बाहर जाते हैं कहीं पे भी है, तो ये हमेशा याद रखें कि तैयारी जब करें तो हमारे पर्स में जो है वो हमारे सारे टूल्स हमारे बैग में होने चाहिए। हमारे गेट ये लिख सकते हैं स्लोगन कि टूल्स न जाना भूल, तो ये हम अपने जब भी कहीं जाएंगे तो हमको याद रहेगा कि हाँ भाई वो लास्ट टाइम हमने ये पाउच रखे थे वो खत्म हो गए, मुझे नया पाउच फिर से अपने पर्स में रखना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम कहीं पे भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने से चूक जाएं। और जो ऐसा करेंगे वो समझ लीजिए कि ये मतलब अभी आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो ये सारी प्रोसेस को करना शुरू करेंगे, टूल्स को उपयोग करेंगे, तो वो सभी लोग चैट बॉक्स में यस जरूर लिखें।
और ये या फिर मुझे थंब दिखा के बताएं या बोल के बताएं कि ये सारे टूल्स आपसे वो अपने घर पे रखेंगे, अपने लिविंग रूम में रखेंगे, अपने नजरों के सामने रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपने पर्स में, ये सारे जो हैं वो टूल्स हम अपने पास पे रखेंगे। तो आप यस लिख के अपना जवाब दें